हर क्रिटिक ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया है फिल्म को. उसके साथ साथ कलेक्शन भी बहुत ही स्टूपेंडस है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ मोस्ट एक्साइटिंग. आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? आप फिल्म में चाहते कि आपकी फिल्म क्रिटिकली अक्लीम्ड हो, साथ में यू नो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छे हों. दोनों ही जगह पर हम लोग अच्छा कर रहे हैं. सो दैट्स दैट्स सुपर्ब. हम जैसे देखा होगा कि इस फिल्म को जितना रियल रखा जाए उतनी कोशिश की हमने. हम खुद गिर रहे थे, कभी झाड़ियाँ लग रही थी, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन इतनी अच्छी टीम थी, इतने सब पॉजिटिव थे इस फिल्म के लिए, बहुत ही डेडिकेटेड थे कि ये सब करने में हमें उस वक्त लग नहीं रहा था. मैं तो होटल रूम जाती थी, बाद में वो समझ आता था कि मेरे कहीं पे ब्रूस लगी हुई है, कहीं पे स्क्रैच है, कहीं पे कट है, वो बाद में दिखता था. इतना प्यार मिल रहा है फिल्म को, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो याद नहीं रहता कुछ मेरे लिए. क्लाइमैक्स के एकदम पहले जो सीन होता है, जो वो अंडरब्रिज के नीचे होता है, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था. इमोशनली सबसे ज़्यादा मुश्किल और ड्रेनिंग सीन था मेरे लिए. लोग अलग और अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि लड़की की पिक्चर है या लड़के की पिक्चर है. और आई थिंक हम सब लोग जिस दिन ऐसा देखने लग जाएंगे, जैसे कि हम लोग कभी कभी किसी हीरो की फिल्म को नहीं बोलते कि हीरो सेंट्रिक फिल्म है, मेल सेंट्रिक फिल्म है, वैसे जिस दिन हम लोग फीमेल सेंट्रिक फिल्म बोलना बंद कर देंगे, आई थिंक तब हम लोग एक अलग दौर में होंगे. बिकॉज लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं. द फैक्ट दैट NH10 ने इतना अच्छा किया है और लोगों को इतनी पसंद आ रही है, लड़कियों को इतनी सुपर भी पसंद आ रही है, लड़कों को इतनी अच्छी लग रही है, दैट जस्ट शोज दैट ऑडियंस इज रेडी टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. एंड कहानी ने वो किया था, यू नो, अगेन अच्छी कहानी होगी, अच्छी स्टोरी होगी, एंड अच्छी से बनाई गई होगी फिल्म, तो लोग देखेंगे. तब वो तब डजेंट मैटर कि कौन फिल्म में है और यू नो कौन हेमलाइन कर रहा है प्रोजेक्ट. बहुत ही एक हाईलाइट है मेरे करियर में एक्चुअली NH10, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम दैट इज देयर. अनुष्का, नवदीप, सुदीप, फैंटम, ईरोस, दर्शन, मी, आप लोग, सब लोग. एंड लाइक अनुष्का सेड कि एक टीम एफर्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी वे बेनिफिटिंग सो मच फ्रॉम इट. हमने ऑब्वियसली जब फिल्म बनाई थी, हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली फिल्म को बनाया था. हमने कोई गिमिकी फिल्म तो नहीं बनाई है, तो हमने ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया था कि कितना हद तक हम कुछ बोल सकते हैं जो कह रहे हैं. तो हमने ऑलरेडी अपनी खुद की सेंसरशिप कर दी थी, जो हम जो हर इंसान करता है, क्योंकि कोई भी चाहते नहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो जब आपकी पिक्चर बन जाती है, बहुत नुकसान होता है. तो हाँ, हमको ऑब्वियसली प्रॉब्लम यू नो फेस करनी पड़ी उस वजह से, क्योंकि हम लोग अडल्ट सर्टिफिकेट मिल रहा था, तो थोड़ा सा अजीब लगा कि अडल्ट सर्टिफिकेट में हमको कट्स मांगे गए थे. लेकिन हमने एनीवेज उस समय पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही था करना, तो हमने वो किया. एंड जब हमने अप्लाई किया चेंजेस को और देखा कि फिल्म में कितना इफेक्ट कर रहा है, इट वाज नॉट टोटली किलिंग द इम्पैक्ट, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. बट ऑब्वियसली एज पीपल, हमने जो हमें इतने सालों से उसके साथ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं बनाते हुए फिल्म को, और उसको इतना क्लोजली यू नो आपने रखा है अपने स्क्रिप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फिल्म को, तो उसके बाद जब आपको बोला जाता है कि आप कार्ड दो, तो ऑब्वियसली थोड़ा यू नो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि उसका फुल इम्पैक्ट नहीं आता है. मेरी मॉम का कॉल आया फिल्म देखने के बाद, एंड शी वाज डैम स्केयर्ड ऑफ मी. फोन पे ही कांप रही थी, और वो कह रही थी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. तो मैंने कहा मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, आप ये क्या, वो एक्टिंग कर रहा था, तो अभी तक वो मेरे से ठीक से बात नहीं करी और डरी हुई है. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता. मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे फिल्म के राइटर से मिला था, जिन्होंने कहा था कि आपने फिल्म को स्क्रिप्ट्स के लेवल से भी ऊपर कर दिया. सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी एक्टर कैन गेट. सम फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी और पिक्चर देखने के बाद दे कुडंट स्लीप दैट नाइट वेरी वेल. सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट.